आईएसओ के इस सेशन में आपका स्वागत है और इस सेशन में हम बात करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 7.5.2, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग दी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। क्लॉज 7.5.2 ऑफ आईएसओ 9001 2015, और चर्चा करेंगे हम हिंदी भाषा में। तो इस रिक्वायरमेंट की, इसकी क्लॉज की जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले मैं, जैसा कि स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, आपको पढ़ के बताता हूँ। व्हेन क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर एप्रोप्रिएट ए आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल टाइटल, डेट, ऑथर, रेफरेंस नंबर, ये चीज़ हो सकती है उसमें। बी फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर वर्जन, ग्राफिक्स, मीडिया, फॉर एग्जाम्पल पेपर रिकॉर्ड्स, पेपर डॉक्यूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा आपका। और सी रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर सूटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो बनने के बाद इट हैज़ टू बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उसके बाद ही उसको इशू किया जा सकता है। तो ये है हमारी टोटल रिक्वायरमेंट, और इसको एक बार तसल्ली से बात करते हैं इसके बारे में। तो जब हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है या अपडेट करना होता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये ज़रूरी है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें और डिस्क्रिप्शन उसको दें। हर एक डॉक्यूमेंट का एक टाइटल होना चाहिए, तो वो उससे उसका आइडेंटिफिकेशन मिलता है और उसमें उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है, और उसकी डेट, टाइटल के अलावा डेट, उसका ऑथर कौन है और उसका कोई रेफरेंस नंबर है तो वो रेफरेंस नंबर भी। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। और उसके बाद उसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें आती हैं कि उसकी भाषा क्या है, उसका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, कोई ग्राफिक्स है तो वो उसका वर्जन क्या है, वो मीडिया, किस मीडिया में वो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन बनाई जा रही है, कि पेपर पे बन रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बन रही है। तो ये सारी चीज़ें उसमें फॉर्मेट में क्लियर हो जाती हैं कि क्या लैंग्वेज है, क्या सॉफ्टवेयर वर्जन है और क्या ग्राफिक्स है, मीडिया है, पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या है, किस तरीके का ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। और लास्टली पॉइंट नंबर थ्री, सी में रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर सूटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आप बिना रिव्यू और अप्रूवल के यू कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैनॉट पास ऑन और इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई, और रिकॉर्ड्स जो बनाते हैं उनका भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है, किसने रिकॉर्ड बनाया और किसने अप्रूव किया। तो ये दोनों चीज़ें, रिव्यू एंड अप्रूवल, बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये तो बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को कैसे क्रिएट किया जाए और कैसे अपडेट किया जाए। और नॉर्मली जिसने बनाई होती है अपडेट वही करता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये किसने बनाई थी और उन्हीं के पास अपडेशन के लिए भेजें, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह कौन सा दूसरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको कि वो अप्रूवल के लिए भेजा जाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें बहुत छोटा सा क्लॉज है, छोटी सी रिक्वायरमेंट है, फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिए तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा उसका। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचेगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको थम्स अप भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।